ओके, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट जिसमें हम एल्जेब्रा विदाउट सिंबल्स कर रहे हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जिसको बार मॉडलिंग भी कहते हैं. लास्ट दो सेगमेंट में हमने ये किया था कि हम कंपैरिजन कैसे करते हैं क्वांटिटीज को, उसको कैसे मॉडल कर सकते हैं, जिसमें एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव थी. इसमें हम देखेंगे कि जहाँ पे प्रोपोर्शनल रीजनिंग है, फ्रैक्शंस हैं, रेशियोज हैं, परसेंटेजेस हैं, उनमें कैसे करते हैं इस मॉडल को इस्तेमाल, ताकि बच्चा आसानी से उस बात को समझ सके और फिर उसको इस्तेमाल कर सके इस तरीके को. अब देखें, एट अ फेयर देर वर हाफ एज मैनी मैन एंड वेमेन. ठीक है जी, बंदे वेमेन से हाफ हैं. तो अगर बंदे के लिए हमने एक टाइल बनाई है या एक बार बनाई है, तो वेमेन के लिए दो बनाएंगे. द नंबर ऑफ एडल्ट्स वर अ थर्ड दैट ऑफ अ चिल्ड्रन. और वेमेन और मैन मिला के जो एडल्ट हैं वो बच्चों से वन थर्ड हैं, या बच्चे उनके थ्री टाइम्स हैं, दोनों एक ही चीज़ होगी. एंड टोटल मिला के 3600 लोग हैं फेयर में, चिल्ड्रन वेमेन मैन समेत. तो अब ये क्वेश्चन अदरवाइज हमें काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ सोचना पड़ता है बच्चे को और परेशान हो जाता है, लेकिन अगर आपने मॉडलिंग करने का उसको तरीका सिखा दिया और खुद सीख लिया, इट्स वेरी इजी. यू विल सी के सिंपल, इफ द मैन आर रिप्रेजेंटेड बाय वन सिंगल बार और वन सिंगल बार, द वेमेन आर बाय टू बिकॉज दे आर ट्वाइस. और मैन और वेमेन मिला के दोनों कितने हैं, तीन बार से. तो इसका मतलब है कि बच्चे आर एक्चुअली थ्री टाइम्स बोथ मैन एंड वेमेन, एंड वी ऑल्सो नो पुट टुगेदर दे आर ऑल 3600. एंड अब ये 3600 इज ऑल दीज 9, 10, 11, 12 बार्स. तो हमने तो एक यूनिट बार की वैल्यू मालूम कर ली, तो बस वन बार इज वेमेन, टू बार इज वन बार इज मैन, टू बार इज वेमेन, एंड नाइन बार आर चिल्ड, वी आर डन. ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट. दैट्स वाई रिसर्च सजेस्ट कि ये एवरेज और सब एवरेज बच्चे जो होते हैं, जो थोड़े से वीक रह जाते हैं किसी वजह से, उनके लिए दिस इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक टू लर्न. आगे देखते हैं जी, 3/4 ऑफ सेल्स, नाउ इट्स अ फ्रैक्शन, फ्रॉम अनियंस इज एज मच एज 3/5 ऑफ सेल्स फ्रॉम कैरेट्स. ठीक है, अनियन को अगर 3/4 सेल लें तो वो कैरेट की 3/5 के बराबर है, और कैरेट की सेल जो है वो अनियन की सेल से $240 ज़्यादा है. तो उनका डिफरेंस भी बताया गया है, तो इट इज़ एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव एंड काइंड ऑफ फ्रैक्शंस आल्सो. टोटल सेल बताएं दोनों की मिला के, वेरी सिंपल. फ़र्ज़ करें अनियन और कैरेट की इस तरह से सेल है, ठीक है जी, तो हम अगर इनको डिवाइड करते हैं उस तरह से, तो ये चीज़ें बराबर हैं, अनियन का 3/4 और कैरेट का 3/5, ये बराबर है. और दूसरा हमें ये पता है कि कैरेट और अनियन में फ़र्क कितना है, 240 का. तो ये जो डिफरेंस है ये कितना है, 240 का. तो असेंशली तो हमें एक टाइल का पता चल गया, तो हमें टोटल सेल्स का पता चलना अब तो बहुत ही आसान है, राइट? सो इजी नाउ. अ स्मॉल बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स वेज अ फिफ्थ, 1/5 ऑफ अ लार्ज बॉक्स. ठीक है, द डिफरेंस इन वेट बिटवीन स्मॉल बॉक्स ऑफ चॉकलेट एंड द लार्ज बॉक्स इज 200 ग्राम्स. फाइंड द वेट ऑफ द लार्ज बॉक्स. ठीक है जी, तो सिंपल बात है, पहले तो कि स्मॉल बॉक्स जो है इट इज 1/5 ऑफ द लार्ज बॉक्स. ठीक, तो इसको आप उस तरह से मॉडल कर लेंगे कि अगर स्मॉल बॉक्स ये है तो लार्ज कितना होगा, 5 times. ठीक है जी, आप फ्रैक्शन के वीडियो जरूर देखें टू रिफ्रेश योर कॉन्सेप्ट ऑन फ्रैक्शंस, उससे फायदा होगा. सेकेंड, अब सेकंड कंडीशन को देखते हैं. सेकंड कंडीशन है कि उनके जो वेट में डिफरेंस है वो कितना है. तो डिफरेंस तो ये है जो उसने बता दिया, 200 kg एंड 200 grams इज हाउ मेनी टाइल्स, 1, 2, 3, 4 टाइल्स. तो हमें एक टाइल की क्वांटिटी पता चल गई, बस एक टाइल की पता चल गई, तो वी आर देयर, वी आर एट द सोल्यूशन नाउ. और क्वेश्चन ज़रूर इस पे बच्चे को सेंसिटाइज करके पूछा क्या है, वेट ऑफ द लार्ज बॉक्स. सो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस क्वांटिटी एक्चुअली, ताकि एग्जाम में उसे प्रिसाइज होना चाहिए कि पूछा क्या है एग्जैक्टली. हो सकता है वो पूछ ले ताकि दोनों का वजन बताएं या स्मॉल का बताएं. या वी मूव ऑन टू अनदर एग्जाम्पल. देर आर 3 boys इन अ फैमिली. उनकी रेशियो एल्डेस्ट बॉय टू दैट इज़ द यंगेस्ट इज 1:4. द रेशियो ऑफ द मिडिल बॉय टू द यंगेस्ट इज 2:1. द एल्डेस्ट बॉय इज 4 years older than द मिडिल बॉय.
पूछा क्या है, हाउ ओल्ड इज द यंगेस्ट बॉय. तो ये रेशियो प्रोपोर्शन से करने में बच्चे के जहन में एक आता है इनहिबिशन के पता नहीं किसको पहले लूँ और क्या किस तरह से उनको मैप करूँ. सिंपल, लेट्स से पहले हमें ये बताया है कि रेशियो ऑफ द एल्डेस्ट टू द यंगेस्ट इज 1:4. सो अगर यंगेस्ट को हम एक बार से शो कर रहे हैं तो एल्डेस्ट इज 4 बार्स. और फिर हमें अगली इन्फॉर्मेशन है कि रेशियो उनकी मिडल और एल्डेस्ट की 2:1 है. दैट्स ऑल्सो सिंपल. और ये भी बता दिया है कि एल्डेस्ट इज 4 ईयर्स ओल्डर दैन द मिडल. तो ये भी बता दिया कि उनके दरमियान जो डिफरेंस है 4 है. तो वी गेट 1 टाई. आई थिंक आई डोंट नीड टू से दैट. रेशियो ऑफ रेड मार्बल्स टू ब्लू पेबल्स और मार्बल्स टू द नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज 2, 3, 5. तो टोटल 80 है. मुझे याद है कि हमें सॉर्ट ऑफ रट्टा ही लगवाया जाता था कि जब ये नस्बत आए तो सम ऑफ प्रोपोर्शन कर लें. उर्दू में उसे कहते थे नस्बती मजमुआ निकाल लें और ये नंबर बटा नस्बती मजमुआ ज़रब से. अब ये है प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग नहीं है. अंडरस्टैंडिंग इज इफ़ यू डू दिस वे इज़ फार मोर ईजियर एंड इन्जॉयबल. वो प्रोसेस तो भूल जाता है फिर. तो देखें ये है, इफ़ द रेड आर 2 सिंपल, द ब्लू आर 3 एंड द ग्रीन आर 5 एंड ऑल टुगेदर इज 80, राइट. एंड नाउ मेरे ख्याल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक बार का या एक टाइल का कैसे निकालेंगे, बिकॉज यू नो नंबर ऑफ टाइल्स आर देयर. वो नंबर ऑफ टाइल्स इज एक्चुअली द सम ऑफ प्रोपोर्शन दैट वी वर डूइंग. बट पहले ये करना चाहिए ताकि उस बच्चे को वो समझ आए एट द मीनिंग लेवल. रेशियो ऑफ अ प्राइस ऑफ कंप्यूटर टू अ प्रिंटर इज 4:1. प्रिंटर 450 करेंसी कम कीमत का है तो प्रिंटर की कीमत बताएं. तो पहले तो उनकी रेशियो बता दो, 1:4. अगर प्रिंटर 1 का है तो कंप्यूटर 4 का है. सिंपल, मेक टाइल्स एनी लेंथ, राइट. और उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो भी आपको नजर आ रहा है 450 का. इफ दिस इज द डिफरेंस तो आपको एक टाइल का पता चल गया एंड वी आर देयर. और ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक. तो एक टाइल का तो वो इट्स वेरी इजी. नाउ नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड टाउन दिस ईयर इज 75% दैट ऑफ द लास्ट ईयर. अगर पिछले साल 100 थे तो इस साल कितने हैं? 75, ठीक है. और आखिरी लास्ट ईयर 120,000 टूरिस्ट थे. तो इस साल के टूरिस्ट उन्होंने पूछे हैं, हाउ मेनी टूरिस्ट विजिटेड दिस ईयर. सिंपल, अगर इस साल इतने हैं, ठीक है जी, 75, तो पिछले साल कितने थे? 100. सो ये हमें पहले बता दिया गया कि अगर पिछले साल 100 थे तो इस साल 75 है. और पिछले साल जो 100 थे उनकी वैल्यू भी बता दी गई है. तो इन अ वे इसके अंदर देर आर 100 divisions, राइट. वी वॉन्ट टू नो द वैल्यू ऑफ वन ऑफ दो दैट डिविजन. हमें उसमें से एक की वैल्यू चाहिए ताकि हम ये, चूंकि उस किस्म की फिर 75 चीज़ें इसके अंदर हैं तो वन की वैल्यू हमें पता चल गई कि 120,000 टोटल हैं. तो ये 100 में अगर डिवाइड करेंगे तो वी गेट 1200 फॉर द वन स्मॉल टाइल विच आर हिडन इनसाइड. तो एक टाइल की पता चल गई तो हमें 75 टाइल की, सिंपल मल्टीपल, ठीक. तो ये परसेंटेज के क्वेश्चन इस तरह होंगे कि हम उसके अंदर की एक जो यूनिट टाइल है या बार है उसका पता चलना, ठीक है. पीड्रोज पे चेक फॉर थर्सडे इज 90% ऑफ इज पे चेक ऑन फ्राइडे. तो पीड्रो के फ्राइडे और थर्सडे में ये रेशियो है. अगर फ्राइडे इज 100 तो थर्सडे इज 90, ठीक है. और थर्सडे एंड फ्राइडे टोटल टुगेदर इज 76. तो हमें फ्राइडे की पेपर लूम करनी है. तो थर्सडे इज 90 एंड फ्राइडे इज 100, टुगेदर इज 76. नाउ हाउ मेनी आर टोटल पार्ट्स? 100 पार्ट्स हियर एंड 90 पार्ट्स हियर. तो एक्चुअली देयर आर टोटल 190 पार्ट्स, राइट. सो हमें फ्राइडे वाली मालूम करनी है. तो फ्राइडे वाली मालूम करनी है तो हमें एक पार्ट की कीमत तो पता चल गई ना, 146 ओवर 190 इज फॉर द वन पार्ट. तो हमें अगर फ्राइडे वाली मालूम करनी है तो वी विल, दिस इज फॉर द वन एंड मल्टीप्लाइड बाई 100. सिंपल. अगर वो कहते थर्सडे वाली मालूम करें तो वी वुड हैव मल्टीप्लाइड इट बाई 90, क्योंकि एक यूनिट का पता चल गया ना. टोटल यूनिट्स आर 90 प्लस 100. सो सिंपल. एल्विन सैलरी इज 20% मोर देन द थियोडोर सैलरी एंड एल्विन सैलरी इज 3600. थियोडोर की सैलरी बताएं. सिंपल, हम थियोडोर की जो भी सैलरी लेंगे, लेट्स से 100,
तो एलवन की 120 हो जाएगी, राइट, सिंपल हो गया ना, 100 एंड 120। एलवन की सैलरी कितनी है? 3600। अब ये 3600 है तो हमें ये पता चल गया कि 3600 के अंदर 120 स्मॉलर यूनिट्स अंदर छुपे हुए हैं, राइट। तो वन यूनिट का वैल्यू आ गई ना आपके पास दिस मच, और आपको थियोडोर की फाइंड करनी है, थियोडोर हैज 100 ऑफ सच स्मॉलर सब यूनिट्स, फिनिश, सो सिंपल, दिस वी वांट टू नो। सिंडी की सैलरी इज 25% लेस देन कार्लस सैलरी, अगेन 25% लेस मीन उसकी, कार्ला की 100 है तो उसकी 25 है, ठीक। टोटल सैलरी 7000 है, उनके दरमियान डिफरेंस बताएं। अब देखें, इसने सवाल में डिफरेंस पूछा है, किसी एक की सैलरी नहीं पूछी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसकी 100 है और ये 75 है, तो व्हाट आर वी इंटरेस्टेड इन, द डिफरेंस, और दोनों टुगेदर इज 7000, एंड 7000 कंप्राइजेस हाउ मेनी यूनिट्स, 100 प्लस 75, 175 सब यूनिट्स हैं विच आर गिविंग अस 7000। तो एक की हमें वैल्यू पता चल गई ना 175, और अब हम जिसकी मालूम करना चाहें, लेकिन दिस डिफरेंस इज 25, तो वी वॉन्ट टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ 25, फिनिश, दिस इज वॉट वी आर इंटरेस्टेड इन। थैंक यू वेरी मच, वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट।